हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इमो क्रिएशंस। कैसे हैं आप सब? होप के सब ठीक ठाक होंगे। होप कि आपने मेरी पिछली क्लासेस को एंजॉय किया होगा एंड सीख भी लिया होगा। आज मैं आपके लिए क्लास 21 की न्यू वीडियोस लाई हूँ, न्यू ट्यूटोरियल्स के साथ। गल्फ एलिमेंट्स के डिज़ाइन ही लेकर आई हूँ। अब आप देख सकते हैं किस तरह मैं इसे डिज़ाइनिंग में ऐड करूँगी। पहले मैंने प्रेशर के साथ मेहंदी के आपको सिखाया था, आप देख सकते हैं आउटलाइन अलग ड्रॉ किए, उसके बाद जी प्रेशर अलग ऐड किया है। इस तरह मैं अब आपको डिज़ाइनिंग सिखाने वाली हूँ विदाउट प्रेशर के। जो बिगनर्स हैं वो जी पहले तो घबरा जाते हैं प्रेशर वाली मेहंदी को देखकर ही, तो मैंने सोचा क्यों ना विदाउट प्रेशर मैं आपको सिखाऊं कि विदाउट प्रेशर किस तरह गल्फ एलिमेंट्स जो हैं वो आप अपनी डिज़ाइनिंग में बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी डिफ़िकल्टी के यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड, बिल्कुल बारीक मैंने लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल बारीक ना होने के बराबर। इसमें देख सकते हैं पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये स्ट्रक्चर ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आप इस तरह ये ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल साथ साथ, करीब करीब। और जी लाइन का आपने ध्यान रखना है, जो लाइन आपने जो स्टार्टिंग में जो लाइन आप एड कर रहे हैं वो लाइन बिल्कुल बारीक हो, ना नज़र आने के बराबर। बस आपको ये लगे कि हाँ ये मेरा, मतलब ये मेरा वे है, ये रास्ता है, इस रास्ते में मैंने चलना है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं ये जी लाइन मैंने बहुत बारीक सी ड्रॉ कर दी है। इसके साथ में इस तरह से जी ये ऐड कर रही हूँ, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ अभी इसका। तो ये बहुत इजी वे है, मैंने सोचा कि मैं प्रेशर के साथ अगर आपको सिखा रही हूँ तो आप काफ़ी उसमें जो है, मुझे लग रहा है कि आप नहीं सीख पाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, फर्स्ट टाइम मेहंदी डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए ये एक फ़ायदेमंद ट्रिक लेकर आ जाऊँ। इस ट्रिक को ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा और आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। एक गल्फ एलिमेंट्स जो है वो आप बहुत अच्छे से अपनी मेहंदी में ऐड कर सकते हैं। इनका लुक बहुत खूबसूरत आता है। कभी जब मेरी बेसिक ट्यूटोरियल्स मेरे ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपको ये चीज़ डिज़ाइनिंग में ऐड करके दिखाऊंगी कि डिज़ाइनिंग में गल्फ एलिमेंट्स का यूज़ किस तरह होता है, किस तरह आप अपनी डिज़ाइनिंग में इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जी, इस तरह करीब करीब आप यूज़ कर सकते हैं जी। ये देख सकते हैं बिल्कुल बारीक लाइन ड्रॉ की है और इसके साथ जी मैंने ये जो है बारीक बारीक जो है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज़ आपको ज़रा परेशान कर देगी। तो मैंने आपकी परेशानी को दूर करने के लिए आपके लिए ये न्यू डिज़ाइनिंग मैंने ऐड की है। होप कि आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अब तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दें एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में। कोई अगर इंटरेस्टेड है मेहंदी सीखने में तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब मैं इसमें अंदर की तरफ प्रेशर दे रही हूँ। इस तरह प्रेशर जो है वो अंदर की तरफ, और ज़रा डार्क प्रेशर यूज़ करना है ताकि आपको लगे जिस तरह गल्फ एलिमेंट्स में मैंने दिखाया था कि किस तरह आप मेहंदी जो है वो किस तरह मेहंदी का प्रेशर बहुत ज़्यादा देते हैं, तो इसी तरह जी इसमें भी आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बिल्कुल ज़रा डार्क प्रेशर देना है। मेहंदी का प्रेशर जो है थोड़ा, मतलब मेहंदी थोड़ी ज़्यादा निकालनी है, ये नहीं कि बिल्कुल बारीक जैसे हम आम रूटीन में फिलिंग करते हैं वो फिलिंग करनी, वो नहीं करनी आपने। ये देख सकते हैं जिस तरह, आप देख सकते हैं मैं किस तरह फिलिंग कर रही हूँ। ये जी इस तरह आप कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इससे आप अपनी डिज़ाइनिंग में ऐड कीजिए, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप देख सकते हैं मैं पिछली, ये तीसरी मेरी वीडियो है जिस पे मैं आपको गल्फ एलिमेंट्स ही सिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जी ये जो है आप ज़रा देर से पिक करेंगे, क्योंकि इसमें यह है कि मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि मैं जब, मुझे इतने साल हो गए मेहंदी लगाते हुए, लेकिन अब भी मैंने जब देखी कि न्यू डिज़ाइनिंग आई है, अपनी डिज़ाइनिंग में उसे ऐड करना चाहिए, तो जी मैंने इस पर बहुत मेहनत की है, उसके बाद जी अपनी डिज़ाइनिंग में इसे ऐड किया है। इसे मैंने पहले खुद सीखा है, क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं सीखूंगी तब तक आप लोगों को नहीं सिखा पाऊंगी और तब तक मैं अपनी डिज़ाइनिंग में भी ऐड नहीं कर पाऊंगी। तो जी जब ये मैंने फर्स्ट टाइम सीखी तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे भी, तो होप कि आपको भी काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ी। ये देख सकते हैं पहले मैंने विदाउट लाइन की किया, अब मैंने टू लाइंस ड्रॉ करके उसके बाद जी ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया है। ये देख सकते हैं, ये आप साथ साथ लेकर चलें, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ साथ साथ आप इसे लेकर चलें, साथ साथ जी आप इसकी प्रैक्टिस करें।
तो फ्रेंड्स, होप कि आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे, काफ़ी कुछ एंजॉय कर रहे होंगे जी। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह स्ट्रक्चर में इसका ड्रॉ कर रही हूँ जी। तो साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, ये मैं साफ़ कर देती हूँ यहाँ से जी। तो ये मैंने साफ़ कर दिया है। अब आप देख सकते हैं इस तरह जी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं इसका, और इसकी आप प्रैक्टिस करें जितनी आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हाथ साफ होगा, और जी जो चीज़ नहीं आ रही उसे सीखो, और जो चीज़ आपने सीखनी है, आपका दिल चाह रहा है कि मैं ये डिज़ाइनिंग सीखूं, इस टाइप की डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस टाइप की डिज़ाइनिंग चाह रहे हैं, तो मैं आपके लिए वैसे ही डिज़ाइनिंग देख रहूँगी। मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करके अगर आप मुझे बताएंगे, अगर आप मुझसे कोई फेवर लेंगे मेहंदी के हवाले से, तो जी मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये लाइंस ड्रॉ करके मैंने सारे किए हैं, लाइंस ड्रॉ किए हैं। पिछली जो बनाई थी उसमें विदाउट लाइंस के बनाई थी, और इसमें मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की है, और अब इसके बाद जी ये बना लिए हैं। देख सकते हैं मैं किस तरह ये चीज़ बना रही हूँ ये। और जी आपको एक बात बताती चलूँ, इसमें आप जो है ये बहुत घने बनाएंगे, मतलब एक जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, थोड़े थोड़े फासले पे होते हैं, बल्कि काफ़ी फासले पे होते हैं, थोड़े थोड़े फासले पे भी अच्छे नहीं लगते। हाँ, जो बिल्कुल घने हों, बिल्कुल ऐसे खूबसूरत सा लुक दे, आपको ख़ुद पता चल जाएगा। आप जब बनाएंगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि हाँ बहुत घने हैं और अब अच्छे लग रहे हैं, मतलब लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो छोड़ देना है आपने, ठीक है, मतलब बिल्कुल लाइट लाइट नहीं बनानी पत्तियाँ, ये बिल्कुल लाइट लाइट भी अच्छी नहीं लगती। तो होप कि आप काफ़ी अच्छा सीख चुके होंगे, काफ़ी अच्छा समझ चुके होंगे। अब मैं नेक्स्ट जो आऊँगी, नेक्स्ट आपको किसी और तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ मुझे लगा है कि यहाँ ज़रूरत है एक और बनाने की, तो मैंने जी यहाँ बना दिए। ज़रूरी नहीं है कि हम लाइंस जो हम बना रहे हैं तो उससे लेकर ही चलें, हम इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं अपनी तरफ से जी। तो आप देख सकते हैं ये मैं ज़िगज़ैग टाइप का ये बना रही हूँ, तो इस पे मैं किस तरह गल्फ एलिमेंट्स यूज़ करती हूँ ये देख सकते हैं आप। इस तरह जी मैं गल्फ एलिमेंट्स इस पर बना रही हूँ, और जी एक बात मैं बताती चलूँ कि मेहंदी की नोक जो है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ करनी है, क्योंकि मेहंदी की नोक जब तक साफ़ नहीं होगी तब तक आपकी डिज़ाइनिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी। और जैसा कि मैं आपको बार बार कहती हूँ, अपनी हर क्लास में कहती हूँ कि मेहंदी की नोक ज़रूर साफ़ करें, और दूसरा ये है कि फिनिशिंग का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जब तक आपकी डिज़ाइनिंग में नीटनेस नहीं होगी डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं लगेगी। सो फ्रेंड्स, नीटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। जब इसकी नोक ही साफ़ नहीं होगी तो डिज़ाइनिंग कैसे साफ़ होगी। सो नोक का ख़ास ख्याल रखना है, और जब मेहंदी ख़रीदे तो ये ख्याल रखें कि इसकी नोक अच्छी होनी चाहिए, नोक में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फिर आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी बाद में। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह मैंने जी इसके आसपास भी ये बना दिए हैं ताकि ज़रा थोड़ा घना सा इसका लुक आए। देख सकते हैं ये इस तरह जी मैं इसमें ये देख सकते हैं, इस मैंने बताया था कि इसमें कुछ चेंजिंग करूँगी, वो जी चेंजिंग ये है। ये देख सकते हैं एक मैंने इसमें फिल रखा है और एक को मैंने खाली छोड़ दिया। ये देख सकते हैं आप इस तरह कर सकते हैं, एक आप फिल कर सकते हैं, एक को खाली छोड़ेंगे, ये भी बहुत प्यारा लुक आता है, बहुत ही ऑसम लगता है डिज़ाइन ये। तो इस तरह भी आप ऐड कर सकते हैं जी। तो फिल रखा है, फिलिंग वाला तो उसमें कोई मसला नहीं, फिलिंग वाला तो मैंने आपको बता दिया कि मेहंदी का प्रेशर बहुत ज़्यादा देकर आपने फिल करना है, इतना भी ज़्यादा नहीं कि आपकी जो आउटलाइन है वो ख़राब हो जाए और मेहंदी आउटलाइन से बाहर निकल जाए और आपका जो गल्फ एलिमेंट है वो बिल्कुल बुरा लगना स्टार्ट हो जाए, इतना भी नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत प्रेशर देना है। और उसके बाद जो चीज़ मैं आउटलाइन बना रही हूँ उसकी आउटलाइन देख सकते हैं आप, ज़रा डार्क कर दी मैंने ताकि ये खूबसूरत लगे जी। तो ये मैंने वैसे ही एक स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब अगर कोई गुलाई में आप बना रहे हैं, कोई टिकी बना रहे हैं, या फिर कोई भी आप बना रहे हैं, तो उसके ऊपर किस तरह आप गल्फ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ये सिर्फ बताने का मकसद यही है।
आप मत समझिएगा कि इसे मैं डिज़ाइन में ऐड कर रही हूँ, ये वैसे ही मैंने आपको बनाकर दिखाया। अब इस पे देख सकते हैं आप कि किस तरह राउंड शेप के ऊपर हम गल्फ एलिमेंट का यूज़ किस तरह कर सकते हैं। आप अगर इसे डिज़ाइनिंग में ऐड कर रहे हैं, आपने कोई टिकी टाइप की कोई चीज़ बनाई है और टिकी के आसपास आप गल्फ एलिमेंट्स बनाना चाह रहे हैं, तो आपको इस मैं यही चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि टिक्की के आसपास आप गल्फ एलिमेंट्स का यूज़ किस तरह कर सकते हैं, किस तरह उसे अपनी डिज़ाइनिंग में ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं ये ऐड कर रही हूँ जी। तो एक लाइन हमने यहाँ से निकाली, देख सकते हैं इस तरह जी मैं बना रही हूँ। होप कि ये चीज़ तो आप अब सीख चुके होंगे, अगर नहीं सीखी तो मेहनत करेंगे, आपका होमवर्क है, आप इस पे वर्क करेंगे, जितना वर्क करेंगे उतना हाथ साफ होगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम परफेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए जी फ्रेंड्स प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, प्रैक्टिस बनती है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते, हर चीज़ के लिए मेहनत ज़रूरी है, हर कामयाबी के लिए मेहनत शर्त है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, ख्याल में रखें, अपने दिमाग में ये चीज़ रख लें कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे कामयाब नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये है कि इसमें आप ये ख्याल रखें, अपनी स्पीड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, डिज़ाइनिंग के साथ साथ स्पीड बहुत ज़रूरी है। अगर डिज़ाइनिंग है स्पीड नहीं है तो भी आप कामयाब नहीं हो मेरे ख्याल में, क्योंकि स्पीड जो है वो ज़रूरी होती है। हम ये कहते हैं कि नहीं स्पीड ज़रूरी नहीं होती, स्पीड बहुत ज़रूरी है, तो स्पीड के बगैर आप डिज़ाइनिंग में जो है इतने आगे नहीं पहुंच सकते। दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है, डिज़ाइनिंग भी अच्छी करो फिनिशिंग भी लेकर आओ, बट स्पीड का होना ज़रूरी है। ये देख सकते हैं जी किस तरह से मैंने दरमियान से एक लाइन निकाली है और इसके ऊपर इस तरह एलिमेंट्स को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि ये चीज़ें घनी अच्छी लगती हैं। इस पे आप थोड़ा फासले पे अगर ये चीज़ बनाओगे तो बुरी लगेगी, अगर इसी चीज़ को आप घनी बनाओगे तो लुक खूबसूरत आएगा। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह आप चीज़ बना सकते हैं, अपनी टिक्की के ऊपर इस तरह ऐड कर सकते हैं, अपनी डिज़ाइनिंग पे इस तरह इसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप पूरी को इसे फिल नहीं करें, ऐसे भी अच्छी लगती है ये। अगर आप चाहें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक खाली रखनी है एक फिल करनी है, इस तरह भी आप कर सकते हैं जी, एक खाली रखें एक फिल करें। देख सकते हैं जी, अच्छा जी मैं आपको सिखा रही हूँ ट्रांसपेरेंट शीट पे। जो ट्रांसपेरेंट शीट है उस पे ये होता है कि मेहंदी जो है वो ज़रा जो है फिसलती है, क्योंकि एक शीट होती है प्लास्टिक की शीट होती है जिस पे मेहंदी फिसलती है, और मेहंदी जो है वो आपको शायद कहीं कहीं ऐसा लगता हो कि फिनिशिंग नहीं आ रही, क्योंकि फिनिशिंग इसी वजह से कि मेहंदी फिसलती है, मेहंदी जो मैं लगाती हूँ वो ज़रा मतलब फैल भी जाती है, तो इसीलिए फिनिशिंग जो है वो कभी होती है कभी नहीं होती। अक्सर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं फिनिशिंग लेकर आऊँ, काफ़ी मेहनत की है, उसके बाद में ट्रांसपेरेंट शीट पे मेरा हाथ जो है साफ़ हुआ है, क्योंकि काफ़ी ऐसा हो गया है ट्रांसपेरेंट शीट का यूज़ नहीं किया, हैंड्स पे ही यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इतना अब आइडिया नहीं रहा। आपको सिखाने के लिए ट्रांसपेरेंट शीट निकाली है तो जी इस पे जी हाथ ज़रा साफ़ करने में टाइम लग रहा है। फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनिंग सिखाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग लेकर आऊं अपनी डिज़ाइनिंग में, क्योंकि मेरी जब तक फिनिशिंग नहीं होगी तब तक आप भी नहीं ला सकते। मैं अपनी डिज़ाइनिंग में फिनिशिंग लेकर आऊंगी तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, आप उससे ज़्यादा लेकर आ सकते हैं। फिर ये देख सकते हैं जी इस तरह जी ये आप कर सकते हैं,
तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको आज की डिज़ाइनिंग कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मेरी अगर पहली वीडियोस नहीं देखी आपने तो ज़रूर देखिएगा, अगर मेरे चैनल का विज़िट नहीं किया तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको इसके अलावा भी काफ़ी अच्छी जो है क्लासेस देखने को, काफ़ी अच्छे आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छी जो है वो डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी, क्लॉथ के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स ज़रूर एक दफ़ा विज़िट ज़रूर कीजिएगा, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करके जाइएगा वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा फ्रेंड्स।